अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो जो है वो बहुत ही अरसे के बाद एक और वीडियो मैंने बनाई है। थोड़ा सा गैप आ गया था मेरी वीडियोस की रिकॉर्डिंग में, बट एनीवे आई एम बैक एंड आई एम बैक विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेकअप टिप्स एंड टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। लेट्स मूव ऑन। ओके जी, सो समर मेकअप के बारे में बात करेंगे। और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई भी है, अभी थोड़ी सी जो है वो बारिशी हुई है और बारिशों के बाद जो है वो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, पसीने इतने आ रहे होते हैं। इस वक्त मैं भी जहाँ पे बैठी हुई हूँ, जो रिकॉर्डिंग जहाँ पे कर रही हूँ, इट इज़ रियली रियली हॉट हियर एज़ वेल। यू नो, आपको तो पता है कि एसी भी जो है वो काम करना जो है वो थोड़ा बहुत छोड़ जाते हैं इस इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में। सो बट एनी वे, आपको जो है वो मैं एक समर एंड स्वेट प्रूफ फाउंडेशन की टेक्निक बनाऊंगी। सो सबसे पहले जो है वो हम चलते हैं कि क्या आपको करना है, इस्तेमाल क्या करना है। सो आई एम नाउ फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ विथ माई फेस मिस्ट, जो कि देता है एक बहुत ही मिनिमल किस्म की हाइड्रेशन, विच इज़ अगेन वेरी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द समर्स। सो लाइटली मैं स्प्रे एंड रिमूव मेरा फेस मिस्ट एंड जस्ट लेटिंग इट सिंक इन टू द स्किन। ओके जी, समर्स के लिहाज से हम एक प्राइमर भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम यूजिंग माय परफेक्ट प्राइमर, जो कि एक मैटिफाइंग प्राइमर भी, विच इज़ गोइंग टू कंट्रोल द ऑयलीनेस ऑन योर फेस, आपकी फेस के जो विजिबल पोर्स हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो मुझे लगता है पोर्स और ज़्यादा वाजी हो जाते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि यू नो पसीना आ रहा होता है और पोर्स जो हैं वो इनलार्ज जो है वो ऑयलीनेस की वजह से भी जो है वो पोर्स इनलार्ज होते हैं। सो ये जो परफेक्ट प्राइमर है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और पोर्स के अपीयरेंस को जो है वो रिड्यूस करेगा और ऑयलीनेस को भी कंट्रोल करता है। सो इसको लगाने का तरीका इज दैट आपको एक सिंगल पंप जो है वो लगाना है, वन सिंगल पंप आई एम यूजिंग। एंड ख़ास तौर पे जो ऑयली एरियाज हैं उस एरिया में जो मैं वो आपको लगाना है। ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे जो है जो शाइन एक आ रही थी वो शाइन जो है वो कम हो गई होगी, बिकॉज दिस इज अ मैटिफाइंग ऑयल कंट्रोल और मिनिमाइजिंग प्राइमर। ओके जी, समर्स के लिहाज से हमने फाउंडेशन कौन सा इस्तेमाल करना है। आई एम यूजिंग माई प्रो वेयर मैट फाउंडेशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है, ख़ास तौर पे समर्स के लिहाज से जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको मैट फाउंडेशन इस्तेमाल करना है। दिस फाउंडेशन इज़ एक्सेलेंट फॉर ऑयली स्किन। जब गर्मी होती है, शदीद किस्म की गर्मी होती है, फेस पे ऑयलीनेस होती है, स्वेटिंग होती है, तो ये जो प्रो वेयर मैट फाउंडेशन है दिस इज़ एब्सोल्युटली आइडियल। इसको इस्तेमाल करने का तरीका इज दैट आई एम गोइंग टू यूज़ नॉट अ लॉट, कम जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी इसको, यू नो वन पम्प विच आई कैन यूज़ ईदर ऑन अ ब्यूटी ब्लेंडर और आई कैन यूज़ इट ऑन माई फिंगर। लेकिन ये जो प्रो वेयर मैट है इसको जल्दी जल्दी से स्प्रेड करना होता है, सो आई फाइंड इट बेस्ट कि मैं इसको इस्तेमाल करूँ विथ माई फिंगर। सो आई एम यूजिंग वन पम्प मैं लगा रही हूँ, वन सिंगल पम्प, और इसको डॉट डॉट बांट करके। फाउंडेशन मैंने वन पंप जो है वो लगाया है ऑफ द प्रो वेयर मैट
अब इसके बाद इसके ऊपर पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो आपका फाउंडेशन होता है वो सेट होता है पाउडर के साथ. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि पाउडर जो है वो आपको लगाना फिर भी बहुत ज़रूरी है, भले आपने मैट फाउंडेशन लगाया हो या सेमी मैट लगाया हो. एक 100% सेट करने के लिए पाउडर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. और फुल फेस के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो कॉम्पैक्ट पाउडर पावर पफ है इन द कलर ट्रफल. एज यू कैन सी दिस इज़ अ डार्कर कलर, इवन दो कि है ये काफ़ी जो है वो पैन आउट हो चुका है, इस्तेमाल हो चुका है, बट अ स्लाइटली डार्कर कलर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ फॉर माई फुल फेस. सो समर्स में इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप जब पाउडर जब फाउंडेशन लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको पाउडर बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज पाउडर इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हेल्प इन सेटिंग द फाउंडेशन. क्योंकि इतनी गर्मी में जो पाउडर होता है वो कॉन्स्टेंटली हमारे स्वेट और ऑयल्स को अब्जॉर्ब करता है, तो अच्छी तरीके से पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. सो गाइज, दिस वॉज अ वेरी सिंपल एंड क्विक डेमो जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया है समर फाउंडेशन को कैसे लगाना है और किस तरीके से ऑयल कंट्रोल करना है. जब आप इतनी ज़्यादा गर्मी में फाउंडेशन लगाते हैं तो पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा अपने फाउंडेशन को केकअप नहीं करें, बिकॉज जितना ज़्यादा थिक लेयर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका फाउंडेशन हटने का चांस है. तो थिन लेयर में फाउंडेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि थिन लेयर में अगर फाउंडेशन लगती है तो इसका मतलब होता है कि फाउंडेशन का हटने का भी चांस होता है. सो इन ऑर्डर टू सेट इट आपको पाउडर के साथ उसको सेट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई होप दैट यू लाइक माय वीडियो फॉर टुडे. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी सवाल हैं आपके वो आप पर नीचे कॉमेंट्स में डालें ताकि अगली दफ़ा आपके सवाल के जवाब मैं दे सकूँ अपनी अगली वीडियो में. सो सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन my YouTube channel. Take care, khuda hafiz, bahut sari duaen, bahut sara pyar, and thank you for watching, like and subscribe. Bye bye.